इस हफ्ते जो दो रेस्क्यूज हमारे बहुत वक्त से मेहमान थे आखिरकार ठीक होके वापस गए। तीन नए रेस्क्यूज आए और अपने एक रेजिडेंट एनिमल को हमने अपनी गलती से खो दिया। खैर, इस सब में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले जो जानवर यहाँ पे हैं मैं आपको उनका अपडेट दे दूँ। डेजी की एम्पुटेशन सर्जरी हो गई है, उसका जो पैर सुअर वाले शिकंजे में फंस गया था वो हमें काटना पड़ा। सर्जरी के दौरान उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और अब वो हीमअप नाम के एक सिरप पे रहेगी ताकि जल्द से जल्द उसका खून दोबारा बन जाए। मॉनसून अपने आई चेकअप के लिए पालमपुर गई और जो उसकी आँख में इन्फेक्शन था वो एक अल्सर में तब्दील हो गया, वो अब एंटीबायोटिक्स पे है और अगले हफ्ते फिर उसको चेकअप के लिए बुलाया गया। चितकबरा का टूटा हुआ पैर अब पूरी तरह जुड़ चुका है, वो बिल्कुल ठीक है, हम उसकी सर्जरी करेंगे और अगर उसको कोई अडॉप्ट नहीं करता तो उसको हमें वापस रिलीज करना पड़ेगा। आपको याद होगा देवदास की हमने स्टरलाइजेशन सर्जरी करी, उस सर्जरी के बाद उसको एक ब्लड क्लॉट हो गया, उसके लिए दोबारा एक उसकी छोटी सी सर्जरी हुई और वो ब्लड क्लॉट हमने रिमूव कर दिया है। पिछले हफ्ते जो डॉग आया था जिसका जबड़ा टूटा हुआ था उसकी पालमपुर में वायर वाली सर्जरी हो गई और उसका नाम हमने सर्किट रखा है। काजल जिसके पैर पे किसी ने दरात मार दिया था, हमने आपको बताया था कि उसकी हड्डी में इन्फेक्शन हो गया है और अगर वो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से क्लियर नहीं होता तो हमें एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, तो वही नौबत आ गई। पर एम्पुटेशन करने से पहले हमें हल्का सा शक था कि शायद वो प्रेग्नेंट हो, तो हमने पहले उसकी स्टरलाइजेशन सर्जरी करी और वो 30 दिन प्रेग्नेंट थी, तो अच्छा है उसका वक्त रहते ही अबॉर्शन हो गया और अब जब वो रिकवर कर जाएगी तो उसकी एम्पुटेशन सर्जरी हम करेंगे। दिवाली के ही अगले दिन रविवार को जिस उल्लू का यहाँ इलाज चल रहा था उसने दम तोड़ दिया, पर कम से कम आखिरी क्षणों तक उसके पास खाने पीने को था और अगर दिवाली की रात को छोड़ दे तो उसके पास एक शांत जगह भी थी। मुन्ना जिस बछड़े को हमने सिद्धबाड़ी से रेस्क्यू किया था उसका वज़न काफ़ी कम होने लगा, हमने उसको फ्लूइड्स भी लगाए पर उसको टिक फीवर था और हम उसको बचाने में नाकामयाब रहे। मंगलवार रात को जो हमसे छोटी सी गलती हुई उसका बहुत बड़ा खमियाजा मटकों को उठाना पड़ा। हम रोज़ शाम को मटकों को उसके घर बंद करके कुंडी लगाते हैं ताकि कोई जानवर उस तक ना पहुँच पाए। इस मंगलवार को शायद कुंडी ठीक से लगी नहीं और एक नेवला मटकों के घर में घुस गया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भविष्य में हमसे कभी कोई गलती होगी नहीं, पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। खोली गांव में एक पपी खड्ड में गिर गया जिससे उसकी पीठ पे चोट लग गई। निखिलेश जी ने हमें फ़ोन किया और हम कद्दू को यहाँ पे ले आए। सौभाग्यवश इसकी स्पाइन फ्रैक्चर्ड नहीं है और केज रेस्ट से ये पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। आप कद्दू को यहाँ पे आके अडॉप्ट कर सकते हैं। कांगड़ा से विवेक चौधरी जी ने हमें जोकर के बारे में फ़ोन किया। जोकर के खुर में चोट लगी हुई है और उस चोट में मैगट्स पड़े हुए हैं, तो हमने इसकी चोट क्लीन कर दी है और इसको एक शू पहना दिया है जिससे इसकी चोट इन्फेक्ट ना हो। कांगड़ा से ही एक और बैल जिसकी पूंछ पे चोट लगी है उसके बारे में मनीष चौधरी जी ने हमें बताया। उसको लेने जाने के लिए हमारे दो चक्कर लगे और इसका नाम हमने टाइगर श्रॉफ रखा है। एल्बर्ट पिंटो पूरी तरह ठीक हो गया था और मेयर साहब की अनुमति से हम उसको सरा गौ सदन छोड़ आए। हनुमान जी जिनका इलाज यहाँ पे अप्रैल से चल रहा है वो पूरी तरह ठीक हो गए और हम उनको वापस टियारा में छोड़ आए। पीपल फार्म स्कूल में इस हफ्ते शाइनी ने एक और मज़ेदार एक्टिविटी की जहाँ बच्चों के नाम दिनों के नाम पे रख दिए गए हैं। इससे इन बच्चों को हफ्ते के सारे दिन याद करने में आसानी होगी। आप में से बहुत से लोग हमारे साथ वॉलेंटियर करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें डोनेट करना चाहते हैं, तो इस बारे में सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर है, peoplefarm.org।